अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुए बवाल के बाद एक बार फिर एएमयू के छात्र छात्राएं धरने पर बैठ गई हैं। बॉम्बे बाबे सैयद गेट पर दरअसल छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्राओं का कहना है कि जो प्रदर्शन एएमयू छात्रों ने शुरू किया वो जारी रहेगा क्योंकि एनआरसी और सीएए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बता दें एएमयू में बवाल के बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में छात्रों का कहना है कि छात्रों के साथ की गई बर्बरता बेहद निंदनीय है क्योंकि छात्रों को कैंपस ही नहीं हॉस्टल्स के रूम से भी निकालकर पीटा गया। देखिए हम लोग 3 दिन से ये साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब से एएमयू में वो बवाल हुआ था पुलिस ने जो स्टूडेंट्स के साथ वर्चुअल बिहेवियर शो किया है उस दिन के बाद से हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग की नंबर ज़्यादा नहीं है बट हमारा जो एम है वो बहुत क्लियर कट है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो पुलिस का बिहेवियर था स्टूडेंट्स के साथ एएमयू के वो बहुत गलत था। मॉरिसन कोर्ट में जहाँ ब्लाइंड स्टूडेंट्स रहते हैं उनको जाकर मारा गया है, इस बात का रिस्पॉन्सिबल कौन है और कौन इसका जवाब देगा हमें ये बात जाननी है। हम लोग का प्रोटेस्ट साइलेंट प्रोटेस्ट है और प्रोटेस्ट अभी हम आपको बता चुके हैं कि ये जो सीएबी और एनआरसी के अगेंस्ट हमारा यूनिवर्सिटी बहुत एक हफ्ते से कर रही थी वही प्रोटेस्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया, मतलब छुट्टियाँ जल्दी डिक्लेयर कर दी गई हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स जा चुके हैं। लेकिन आप लोग को शायद ये लोग भूल गए हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, वो लोग कर्फ्यू वहाँ लगा हुआ है, वो लोग घर नहीं जाना चाह रहे थे। इस हालत में उनको बाहर सड़क पे छोड़ दिया गया कि वो अपने घर किसी भी तरह जाएं। हम लोग ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, जस्टिफाई करें कि इसका किस तरह से उन्होंने ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं आप स्टूडेंट्स को, कैसे मैनेज करा होगा उन लोग ने।